हमने ब्रश पेंस रिमूव कर दिया, अभी ये देखेंगे मैंने जैसे किया तो ये उतर गया यहाँ से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ब्रश को व्यूअर्स वीएस। आज हमारे पास एक आर्टिकल है जिसका ब्रश रिपेयरिंग है, ब्रश जो है वो बेली पोर्शन से ऊपर आ चुका है बेस से, आप देख सकते हैं नीचे कितनी ज़्यादा स्पेस है इसके ब्रश में। इसका नुकसान ये होता है कि जब ब्रश ऊपर आ जाता है बेली पोर्शन से बेस से, ये बेली पोर्शन होता है गिटार का, यहाँ से ऊपर आ जाता है तो गिटार की जो एक्शन होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग्स एंड नेक, ये बहुत हाई हो जाता है, तो आपको प्ले करने में मुश्किल आती है। तो आज हम ये वाला इशू रिजॉल्व करेंगे। इसके साथ इसमें हमें जो है इसके साथ रिपेयरिंग करनी है, स्ट्रिंग सेट चेंज करना है, एक इसके ब्रिज पिन कम है और एक की जो है ट्यूनिंग पैक वो भी नहीं है इसका, वो सारा कुछ इंस्टॉल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ गिटार के फाइनल रिजल्ट्स। पहले हम करेंगे इसके स्ट्रिंग्स लूज ताकि इजीली जो स्ट्रिंग्स हैं वो रिमूव हो जाएं, और हमने इसकी स्ट्रिंग्स भी चेंज करनी है और एक की भी इसकी कम है वो भी हमने चेंज करनी है, वो रिप्लेसमेंट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कीज हो गई हैं लूज, अब हम इसकी ब्रिज पिन्स जो है वो इजीली बाहर आ जाएंगी यहाँ से। स्टीम प्रेसिंग है, इसमें आप देखेंगे वुड जो है वो थोड़ी सी फ्रेटबोर्ड पे वैक्स अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका जो फ्रेटबोर्ड है वो बहुत ड्राई हुआ हुआ है, तो इस पर वैक्स फ्रेटबोर्ड वैक्स अप्लाई कर देंगे ताकि इसको प्ले करना थोड़ा सा इजी हो जाए। देख सकते हैं जिस पोजीशन पे वैक्स अप्लाई नहीं की वो बिल्कुल ड्राई है, और जहाँ पे अप्लाई कर दी वो ऑयली हो जाए। सो व्यूअर्स दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स आफ्टर इंस्टॉलिंग द ब्रिज। Strings, and tuning pick. Must like and follow Zebik Dastro for repairing and buying musical instruments.